नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अपनी इस खास पेशकश शहर की सरकार लेकर हाजिर हूं मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरकर अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सियासी पार्टियों के रणबांकुरे चुनावी कुरुक्षेत्र में ताल ठोंकने को तैयार हैं, फिर चाहे वो रास्ता कुछ भी हो। कोई विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर रहा है तो कोई बगावत कर दूसरी पार्टी का झंडा बुलंद कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी से लेकर बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। निकाय चुनाव में इस बार सियासत के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कई प्रत्याशी कानून को ताक पर रखकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कोई प्रत्याशी बगैर हेलमेट के प्रचार कर रहा है। करेंगे भी क्यों नहीं, भाई चुनाव जो है। आज हम आपको निकाय चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबर इस खास बुलेटिन में दिखाएंगे। निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, उत्तर प्रदेश का जो सियासी तापमान है वो इस सर्दी एक और बढ़ रही है तो वहीं गर्मी का एहसास उत्तर प्रदेश की सियासत करवा रही है। नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करने आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार विकास की कई योजनाएं चलाकर जनता को लाभ पहुंचा रही है, लेकिन सरकार पैसा दे और नगर का विकास हो इसके लिए केंद्र और प्रदेश के साथ साथ नगर निकाय में भी बीजेपी की मौजूदगी जरूरी है। चुनावी मैदान में योगी ने संभाला मोर्चा, पिछली सरकारों पर बोला हमला, अपनी सरकार के गिनाई उपलब्धियां। नगर निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतर चुके हैं। आजमगढ़ में योगी ने जनसभा को संबोधित किया और पिछली सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सफाई का ठेका होता था लेकिन सफाई नहीं होती, आवारा पशुओं की वजह से जाम होता था, स्ट्रीट लाइटें कहीं जलती थी तो कहीं नहीं जलती थी। तो वहीं अपनी सरकार का बखान करते हुए योगी ने कहा कि हम केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में 13 स्मार्ट सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। साथ ही कहा कि नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका बनाएंगे। को शुद्ध पेयजल नहीं उपलब्ध हो पाता था, बिजली नहीं मिलती थी, स्ट्रीट लाइट कहीं जल रही है कहीं नहीं जल रही है, अंधेरा रहता था, जगह जगह चौराहों पर आवारा गोवंश कब्जा करके चौराहों को जाम कर देता था और ठेला खूंचा रेड़ी और पटरी व्यवसायियों के लिए भी कोई नीति न होने के कारण पूरे के पूरे नगर महानगर जाम की चपेट में रहते थे। और इसीलिए पूरी कार्य योजना के साथ हम लोग आए हैं। प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से 13 स्मार्ट सिटी हम लोग देने जा रहे हैं। 60 अमृत योजना के अंतर्गत नगरों के विकास के लिए हम लोगों ने कार्य योजना तैयार की है। सीएम योगी ने अपने कार्यकाल का बखान करते हुए कहा कि पिछली सरकार में न्यायालय के आदेश को नहीं माना जाता था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने सत्ता संभालते ही कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए सभी अवैध बूचड़ खानों को बंद कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकारों ने फुटपाथ पर दुकान खोलने वालों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम बोले कि हम ठेले वालों के लिए पुनर्वास योजना लाकर उन्हें व्यवस्थित करने का काम करेंगे। भाई बहनों, आप सब जानते जब हमारी सरकार आई थी प्रदेश में तो प्रदेश के अंदर अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, अव्यवस्था की स्थिति थी, न्यायालय कुछ कहता था वह लागू नहीं हो पाता था। हम लोगों ने आते ही यह तय किया, एनजीटी ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अवैध पूछड़ खाने बंद होने चाहिए, 2014 में कहा था, पिछली सरकार में हिम्मत नहीं थी, हम लोग आए और पहले ही आदेश में हम लोगों ने अवैध पूछड़ खानों को पूरे प्रदेश। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पहले व्यापारी प्रदेश में नहीं आते थे, अपराधी व्यापारियों पर गोली चलाते थे क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण मिला था। प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तभी से अपराधी दूसरे राज्यों की जेलों में चले गए हैं। व्यापारी अब प्रदेश में आकर अपना कारोबार कर रहे हैं। गाय और गौशाला का अपना प्रेम दिखाने से भी योगी नहीं चूके। सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड के साथ अन्य जगहों पर गौशाला का निर्माण करेंगे और नौजवानों को रोजगार देने का भी काम करेंगे। प्रदेश में बंद पड़े उद्योग को फिर से चालू किया जाएगा जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। पहले व्यापारी प्रदेश छोड़ करके भाग
क्योंकि अपराधी राजनीतिक संरक्षण में अपराधियों पर गोगुन, व्यापारियों पर गोली चलाते थे, आम नागरिकों पर गोली चलाते थे, अराजकता चरम पर थी। और आज लोग निवेश करने के लिए प्रदेश में आ रहे हैं, जो व्यापारी भाग चुका था वो वापस प्रदेश में आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतरकर ये तो साबित कर दिया है कि बीजेपी के लिए निकाय चुनाव एक इम्तिहान से कम नहीं। संजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, आजमगढ़। देवरिया के राज्य के इंटर कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपने 8 महीने पहले देखा था और सुना था कि कैराना में क्या हाल था, लेकिन आज क्या स्थिति है। अपराधी भाग गए हैं, कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन 8 महीने से कोई भी व्यापारी पलायन नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है कि इनके साथ बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बरेली में इस बार नगर निकाय चुनाव में बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। जायकवाड़ मेयर प्रत्याशी का टिकट खासे विवाद के बाद घोषित हो पाया है, तो इन पार्षद पद के लिए भी दावेदारों की लंबी लाइन लगी हुई है। पुराने कार्यकर्ताओं का आरोप है कि महानगर के नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए चहेतों को टिकट दिया है। बरेली में नगर निकाय चुनाव में हमेशा से ही भाजपा का वर्चस्व रहा है। मेयर भले ही 3 बार से भाजपा का ना रहा हो, लेकिन पार्षदों की संख्या हर बार भाजपा की ज्यादा रहती है। लेकिन इस बार पार्षदों के टिकट वितरण को लेकर विवाद हो गया है। आरोप है कि भाजपा के पदाधिकारियों ने न केवल अपने चहेतों को टिकट दिया है, बल्कि टिकट वितरण के लिए पैसा भी लिया गया है। 25 से 30 साल पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है, जिनका सारा जीवन भाजपा और संघ के लिए समर्पित रहा। लिहाजा इन लोगों ने नाराज होकर अब बरेली विकास मोर्चा के नाम से अलग एक संगठन बना लिया है और वो 30 वार्डों से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं। सुस्ती हमारी है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, उसके सिस्टम का विरोध है। जो सिस्टम इस बार महानगर कमेटी ने जो लागू किया वो इस तरीके से किया है कि जैसे एक कहावत है ना, अंधा बाटे रेबड़ी अपने अपने को दे, चाहे माल दे चाहे रेबड़ी दे, सीधे सीधे शब्दों में कहना मेरा। इस बार जो है महानगर अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की कार्यशैली को महत्व नहीं दिया, अपने पराये पे ज्यादा महत्व दिया। वहीं भाजपा के महानगर अध्यक्ष उमेश कठेरिया का कहना है कि सुदेश गुप्ता और उनके साथी कभी भाजपा के कार्यकर्ता थे ही नहीं। भाजपा को कोई नहीं हरा सकता, अगर इस संगठन में कोई भाजपा कार्यकर्ता होगा भी तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी असंतोष नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संतोष में है। और जो विषय आपने अभी बताया है, जिन लोगों ने ये मोर्चा बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं है, और मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बार उन लोगों को सद्बुद्धि दे और भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशियों के विरोध में जो भी भारतीय जनता पार्टी में रह के चुनाव लड़ेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा भले ही दावा करे कि बागी कार्यकर्ताओं से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन 80 वार्डों के चुनाव में 34 वार्डों में पुराने कार्यकर्ताओं का निर्दलीय चुनाव में उतरना ही भाजपा की चुनावी गणित को बिगाड़ सकता है। बरेली से आशीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बस्ती में बीजेपी के निकाय चुनाव में टिकट का बंटवारा भी मुश्किल ही सबसे बड़ी गले की फांस बन गया है। दरअसल बीजेपी के टिकट के लिए अरविंद पाल जुगाड़ में लगे हैं।
लेकिन सीट महिला होने के बाद उन्हें अपने स्कूल की दाई उर्मिला को टिकट दिलवा दिया। पांचवी पास उर्मिला को यह भी नहीं मालूम कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने बताया कि जनता पार्टी भारतीय के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि टिकट उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि अंग्रेजी में चुनाव को कहते क्या है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि अरविंद पाल एक महीने पहले सपा से बीजेपी में आए हैं, अब पार्टी ने उनकी दाई को टिकट दे दिया। नैतिकता और सदाचार की दुहाई देने वाले बीजेपी के लिए उसके अपने विधायक की मुसीबत बन गए हैं। देवरिया में बड़बोलेपन के लिए शुमार बीजेपी के चर्चित विधायक सुरेश तिवारी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने भाषण में कह रहे हैं कि अगर उनका प्रत्याशी नहीं जीता तो दूसरे चेयरमैन को शिखंडी बना देंगे और 5 साल में एक भी काम नहीं करने देंगे। विधायक सुरेश तिवारी ने यह भाषण बरहज नगर पालिका अध्यक्ष पद के बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में दिया है। अब वीडियो वायरल होने के बाद विधायक सुरेश तिवारी ने चुप्पी साध ली है। पार्टी का है हमारा लक्ष्य, सुरेश तिवारी का एक ही लक्ष्य है, वो जो विकास, विकास के सिवाय मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं पागल आया हूँ 5 साल तक तो विकास ही करूंगा। हे जनता जनार्दन, नीचे गिरी हुई बातें भी आपको बता देता हूँ। खुदा ने खास था कभी ऐसा हो गया कोई दूसरा अध्यक्ष बन जाएगा तो बाराबंकी में बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने एक बार फिर से जहर उगला। उन्होंने मुसलमानों को धमकी देने वाले बयान पर अभी भी वो कायम है। उन्होंने कहा कि मैंने मुसलमानों को धमकाया नहीं बल्कि समझाया था, अगर मेरा बयान धमकी है तो ये धमकी मैं 2000 बार दूंगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान एहसान करके वोट ना दें, 67% हिंदू हैं जो उनको चुनाव जितवा देंगे। बीजेपी नेता रंजीत बहादुर की पत्नी शशि श्रीवास्तव नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की प्रत्याशी हैं। मैंने भाषण दिया इसलिए मैं जानता हूं, कैसे भी आपने सुना होगा, मैंने मुसलमानों को धमकाया नहीं है, मैंने उनको समझाया है। और समझाना इसलिए पड़ रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और मैं उसका सिपाही होने के नाते मैं इस दीवार को तोड़ने की बात कर रहा हूँ। अभी मौका है, इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी बगैर भेदभाव के आपका भला कर रही है, सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है, तो आपको यह समझना चाहिए कि इस नफरत की दीवार को तोड़ने के लिए आपको पहल कर देनी चाहिए। और अगर नहीं करोगे तो ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू नहीं पछताएगा, अंततः मुसलमानों को ही पछताना पड़ेगा। और अगर इस बात को कोई धमकी कह रहा है तो ये धमकी मैं 1 बार नहीं 2000 बार देने के लिए तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में तो वो स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डराने का काम नहीं करती है, डर निकालने का काम करती है। यही मैं समझा रहा हूँ कि इन जो मुखौटा लगाए हुए लोगों का आप साथ छोड़िए, ये मर्द नहीं है, इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में मर्द पैदा होते हैं, नरेंद्र भाई मोदी मर्द हैं, योगी जी मर्द हैं और इस नगर का रंजीत बहादुर भी एक मर्द है। हमारी बात मान करके वोट दे दें, फिर मैं कह रहा हूं वोट दे दें, और अगर नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर दो तरह की बातें आ जाएंगी। वोट नहीं दोगे हमारे आगे आने से दबोगे, हमारे आगे कोई बात कहने से दबोगे, तुमको शर्म लगेगी, तो इसको पछताना नहीं कहते। यहाँ पर औसत मैं बता दूं 67% हिंदू है, 33% मुसलमान है। वोट हमें अगर वो एहसान करके देना चाहते हैं तो आज भी ना दे,
चुनाव में पिछला भी जीत गया था 67% हिंदुओं ने जिता दिया था, आज भी जीत जाऊंगा। मैं चुनाव कहाँ हार रहा हूँ? 33% मुसलमान हमको चुनाव नहीं हरा सकता है, हमें 67% हिंदू चुनाव जिता देता है। मैं इनके वोट का मोहताज नहीं हूँ, हाँ ये मेरे काम के मोहताज जरूर रहते हैं। निकाय चुनाव को लेकर गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम से इंडिया न्यूज संवाददाता ने बातचीत की। नरेश उत्तम ने इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान बीजेपी पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि निकाय चुनाव का जो है दौर शुरू हो गया और दौरों का दौर भी नजर आ रहा है। हमारे साथ नरेश उत्तम जी मौजूद है। निकाय चुनाव को किस तरह से आप देख रहे हैं? तमाम जो पार्टियां हैं या जो मौजूदा सरकार है वो भी इसमें पूरी तरीके से ताकत झोंक चुकी है, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? देखिये, नगर निकाय के चुनाव में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने सारे मंत्रियों को, सारे सांसदों के और भारत के केंद्रीय मंत्रियों को लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत इस नगर निकाय के चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं। क्या लगता है कि इसके पहले कभी आपकी भी सरकार रही है निकाय चुनाव को इतना महत्व दिया जाता रहा होगा, या फिर इतने मंत्री या खुद मुख्यमंत्री दौरों पर रहे होंगे? निश्चित रूप से इनकी विफलताएं हैं। भारत सरकार ने कोई काम नहीं किया 3.5 वर्ष के अंदर, किसानों का, मजदूरों का, दुकानदार भाइयों का, बेरोजगार नौजवानों का कोई वादा पूरा नहीं किया, इसलिए जनता नाराज है और उनको लगता है कि हम इन चुनावों में निपट जाएंगे, हार जाएंगे, इसलिए किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सारे मंत्रियों को झोंक दिया पूरी सरकारी अमले को, और इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं अपने सरकारी पैसे से, सरकारी पद से। गोरखपुर का भी मेयर या चाहे जो भी सभासद के चुनाव हो वो काफी महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ माना जाता है योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब भी जिनके सर पे वो हाथ रखते हैं वो उसे विजयी प्राप्त होता है, उसके सर पे ताज होती है। क्या लगता है आप तो मुख्यमंत्री हैं, इस बार के आपके जो कैंडिडेट हैं या जो उनके हैं, क्या लगता है कितना मुकाबला होगा? देखिये, जनता जिसके ऊपर हाथ रखती है वो आगे होता है, योगी जी और मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होता है। ये तो झूठ बोलने के लिए दोनों को पूंजीपतियों ने कह दिया कि जाओ झूठ बोलो, हमारा कारपोरेट जगत का प्रचार करो, ये लोग प्रचार कर रहे हैं। जनता जिसके ऊपर हाथ रखेगी वही चुनाव जीतेगा। तो नरेश उत्तम जी ने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के जो मोटो है वो पूरी तरीके से साबित होगी और निश्चित रूप से इस बार कम से कम जितनी भी सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी और कहीं ना कहीं बीजेपी को करारा जवाब देगी। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। मऊ में नगर निकाय चुनाव में कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अनिल राजभर ने अपने सहयोगी दलों पर बड़ा बयान दिया है। राज्यमंत्री ने बगैर अपने सहयोगी दलों के नाम लिए हुए कहा कि बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को जो विश्वासघात करने का काम करते हैं उनको चुल्लू भर पानी नसीब नहीं होगा। राजभर, समाज के नाम पर जो लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं उनको बताना चाहता हूं, उनके लिए किसी ने कुछ किया है तो उनके लिए बीजेपी ने ही किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को हौसला देने का यह चुनाव, और जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने और उनको उनके हैसियत पर खड़ा करने का भी चुनाव। कुछ दिन पहले धौलाना विधायक का डासना टोल पर मारपीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि हापुड़ धौलाना विधायक एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार बीएसपी विधायक असलम चौधरी ने निकाय चुनाव में वोट न देने पर एक बिजली ठेकेदार को फोन पर धमकी दी, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में विधायक ने ठेकेदार को गालियां दी हैं। विधायक ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को भी अपशब्द कहे। पीड़ित ठेकेदार ने बीएसपी विधायक से अपनी जान को खतरा बताते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। तो कहने लगा था इसका कविता है हमारे यहाँ पे, हम उसी को वोट देंगे, बसपा को वोट नहीं देंगे। तो कहने लगा था इसका अंजाम भुगत लेना। उसके बाद कल मेरे घर पे विजिलेंस का छापा डलवाया, बिजली अधिकारी मेरे यहाँ चेकिंग कर लाया कि उनको कोई मेरे घर में बिजली चोरी नहीं पाई गई। मैंने उनसे कहा अपने अधिकारी से कहा मेरे घर में कोई बिजली की चोरी नहीं है, मेरे घर पर क्यों आई? कहने लगे असल में विधायक ने कहा तुम्हारे घर पर बहुत। तो बीएसपी विधायक असलम चौधरी के दबंगई का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें बीएसपी विधायक गुंडई करते नजर आ रहे हैं। जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार को भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं और जो बिजली महकमे का अधिशासी अभियंता है उसे भी जमकर गाली गलौज विधायक ने की है। बीएसपी के माननीय हैं असलम चौधरी, बीएसपी विधायक हैं
और उनकी गुंडई की तस्दीक ऑडियो कर रहा है जो इस वक्त वायरल हो रहा है। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा में एक शख्स दारू लेकर पहुंच गया। गेट नंबर एक पर लगे मेटल डिटेक्टर के पास चेकिंग के दौरान सुरक्षाकर्मी ने उसे पकड़ा। सुरक्षा में लगे पुलिस वालों ने शराब उसके हाथ में से ली। इस दौरान मौका देखकर पकड़ा गया शख्स फरार हो गया, लेकिन घटना कैमरे में कैद हो गई। आजमगढ़ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का संसदीय सीट और आज निकाय चुनाव के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे और उस दौरान एक शख्स मेटल डिटेक्टर से गुजर रहा था और उसके हाथ में शराब की बोतल है। हालांकि पुलिस वालों ने उसे पकड़ा भी, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। शहर की सरकार में आज बस इतना ही।